सो हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सभी का। स्वागत है हमारे और एक नए वीडियो पे। तो दोस्तों, आज जो है कि मैं बहुत दिन के बाद वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि छुट्टी ही नहीं मिल रहा था। और आप लोग देख सकते होंगे कि अभी जो है कि हम पहाड़ पे आए हुए हैं, पहाड़ों की तरफ, और पहाड़ का रास्ता देख सकते हैं कैसा है। और मैं आपको बता दूँ, गाड़ी देख सकते हैं दूर में ही लगा दिए क्योंकि ऊपर जाने का रास्ता ही बिल्कुल नहीं है। और हमारे दोस्त का घर यहीं पर है पहाड़ के ऊपर में, जो कि मैं अभी उनसे मिलने के लिए जा रहा हूँ। और देखते हैं, ऐसा लग रहा है कि कई किलोमीटर तक भी पैदल ही जाना होगा क्योंकि रास्ता ही बहुत ख़राब है, ट्रैक्टर के लिए ही ये सब रास्ता है। तो दोस्तों, लग रहा है इस टाइम में वीडियो पे, चलिए आगे चल के दिखाते हैं, अपने दोस्त से मिलाते हैं। और वीडियो का दोस्तों अंत तक देखिएगा क्योंकि मैं यहाँ पर जो है कि अपने दोस्त का घर दिखाऊँगा और यहाँ का गाँव कैसे ये लोग पहाड़ पर रहते हैं, और यहाँ पे यहाँ का सुविधा असुविधा दिखाएंगे आप लोगों को। दोस्तों, लग रहे इस टाइम वीडियो पे, चलिए आगे चल के दिखाते हैं। कहाँ से आ रहे हैं ये सब गाय? सब आप ही लोग का है क्या? काफ़ी ज़्यादा गाय है, मतलब कि सारा झुंड में। दोस्तों देख सकते हैं कि आ रही है गाय और बकरी साथ में आ रही है। किधर घर लग जाइएगा, रुको जरा, सबर करो। चराने के लिए लगे थे क्या? देखिए बकरी लोग भी छोटा छोटा है और गाय सब भी। एक आदमी आगे आगे जा रहे हैं, बाकी सब पीछे पीछे उनका जा रही है, गाय और बकरियां सब साथ में। पता है दोस्तों, इसकी इन गाय सबके जो है कि गले में घंटी बना के जाता है, क्यों? क्योंकि जंगल में जो चलते हुए भुलाए नहीं, पता चले कि इनका तो गला में तो घंटी बजेगा ही बजेगा, इसीलिए पता चल जाता है कि किधर किधर गाय है। इतना सारा गाय बकरी में हराता नहीं है, नहीं हराता है। तो दोस्तों देखिए, अभी जो है कि पूरा पहाड़ की तरफ से आए पूरा आदिवासी लोग, जो कि बकरी और गाय चराने के लिए गए थे। और अभी जो है कि हम चल पड़े हैं, और देखिए वहाँ पे छोटा बच्चा भी जा रहा है जो कि चला गया। और मैं आपको इधर का रास्ता दिखाता हूँ। तो देख लीजिए, इधर जो है कि पूरा पहाड़ ही पहाड़ नज़र आ रही है, और इधर तो रास्ता भी बहुत कम है, और इधर घर द्वार कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, और ऐसे डर भी लग रहा है, और शाम का भी वेला हो गया है। और मैं यहाँ पे आगे अब नहीं जाऊँगा क्योंकि मेरा मोबाइल का नेटवर्क भी जो है कि ख़त्म हो गया है। और आप लोग देख ही सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जंगल है, जो कि मैं अब नहीं चलूँगा। और मैं जो है कि अब वापस जा रहा हूँ गाड़ी की तरफ, क्योंकि अब मैं आगे नहीं बढ़ सकता, काफ़ी घना जंगल है, जानवर सब का भी डर लगता है, और मैं अकेले ही हूँ। देख सकते हैं मेरे साथ कोई नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि मेरा मोबाइल में भी नेटवर्क नहीं है क्योंकि फ़ोन ऑन लगेगा नहीं, बीच जंगल में मैं क्या करूँगा, इसलिए मैं जो है कि दोस्तों चल दिया घर की तरफ। आपने सबसे पहले घबराना नहीं, प्यारी समझ गई। और दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि मुझे इस अकेले जंगल में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर अगला वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।